नमस्कार, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो के साथ फिर से डीजे सार्जन प्रोडक्शन में स्वागत है। आज आप लोग को देखने को मिल रहा है फिर से वही 415 जो मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है और एक कम बजट में आपका काफ़ी तगड़ा वाला सिस्टम रेडी होता है। कस्टमर काफ़ी पसंद करते हैं इसका साउंड क्वालिटी जब सुनते हैं। एक चीज़ जिसमें यह होता है, साउंड क्वालिटी तो ज़बरदस्त रहता ही है। इसमें एक साथ तीनों मिलता है, बेस, मिड और हाई। ये ट्यूटर लगाने 10 पीस ट्यूटर का लगभग डिमांड पड़ता है, वो 518-80 वाट का लगाना पड़ता है, जिसके लिए अलग से एक 500 वाट का आहूजा देना पड़ता है। स्टेंजर से भी बजेगा लेकिन 500 वाट से नहीं, कम से कम 700 या 1000 बेस्ट रहता है। लेकिन जो आहूजा का सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि आहूजा क्लियरिटी के लिए थोड़ा ट्यूटर और हॉर्न के मामले में थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। हम अगला कोई मशीन को नहीं ख़राब बोल रहे, लेकिन एक कंपैरिजन के आधार पर ये ज़्यादा सेफ्टी रहता है और ज़्यादा फिल्टरनेस इससे हम लोग को आहूजा से आवाज़ के मामले में सबसे अच्छा अभी तक का हम लोग के एक्सपीरियंस में मिल पाता है। और एक नया हाथ में भी जो आसानी से उसको सेट कर सके और कस्टमर जो नया भी रहे तो आसानी से उसको सेटिंग कर सके। यहाँ पर सारा चीज़ देख रहे हैं, एक एक करके अनबॉक्सिंग किया जा रहा है ताकि कस्टमर खुद भी देखें कि उसको जितना भी सामान मिल रहा है सारा चीज़ नया मिल रहा है। इधर एम्पलीफायर वगैरह देख सकते हैं, स्टेबलाइजर है, मिक्सर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, 2 4K। और ये रहा इसका सीरियल नंबर, एक ऊपर का जिसमें रेक्सोन का है, दोनों ही रेक्सोन का ये लगा हुआ है। फैन कभी कभी हाईकूल का भी आता है, तो बहुत जन को इसमें डाउट रहता है कि कहीं एक दूसरे का डुप्लीकेट नहीं ना है, तो एक चीज़ बता देना चाहते हैं, कंपनी 2 तरह का फैन यूज़ करता है अभी तक का, हाईकूल और रेक्सोन। देख सकते हैं ये लायन का तीसरा पीस लोड हो चुका है और लगभग लगभग इधर भी। और ये स्टेंजर का नया मिक्सर जो आया SXR6, बहुत ही तगड़ा वाला, कम बजट में एक बढ़िया मिक्सर बोला जाए। यहाँ पर पार्टी सब के सामने सारा सामान फिट हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं लायन का जाली। और यहाँ पर ये बुतरू को देख सकते हैं कि उनको साथ ही आया था, ये पूरा कंफ्यूज है, पूरा मस्ती में है। आप सब इसको हाई बोलने बोल रहे हैं, अभी हाई किया। धन्यवाद देना चाहता हूँ इन भाई साहब को जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किए, और इनके सारे टीम को और आप सभी व्यूअर्स को जय हिंद जय भारत। पहले साया काहे की बिटवा, हमारे सामने कौनों ना ही टिक पाया।